एक पिलर है ये लोग। अब किसके भेजने पे, किसने भेजे है, किसने किया है, अब ये इंक्वायरी आएगा। नहीं, मैं समझता हूँ बाबा सिद्दीकी का कोई उनका कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी और ये बहुत ही लवली, बहुत ही फ्रेंडली आदमी थे। मैं 35 सालों से मेरा ताल्लुक बाबा सिद्दीकी से। अब इसमें क्या चीज़ है, कैसे हुआ? नहीं, मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल फेलियर है। किसी को डर ही लगता है, किसी को डर ही नहीं है। अभी एक हमारे साथी का मर्डर हुआ था अंधेरी में, मर्डर करने वाले का सीसीटीवी पकड़ा गया, जेल गया और एक साल पे आके फिर उसी एरिया में घूम रहे हैं वो आदमी। इस तरह अगर इस तरह से कानून में काम होगा, प्रोसिक्यूशन के इंक्वायरी के काम होगा, मैं समझता हूँ तो मुंबई तबाह हो जाएगी। नहीं, एनसीपी के नेताओं के साथ एक दूसरी घटना अभी भाईकला में भी हमने देखा कि एनसीपी के नेता को उनकी भी हत्या कर दी गई। नहीं, देखिए ये मैं नहीं समझता कि पॉलिटिकल है, ये तो एक तो एक इत्तेफाक होगा एनसीपी के नेता, लेकिन बाबा सिद्दीकी साहब का पॉलिटिकल कोई राइवल है? मैं अभी तक ये समझता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, न कोई बिजनेस की लड़ाई है। अब इसकी इंक्वायरी होगी तो सही। लॉरेंस बिश्नोई का एंगल आ रहा है कि वो आपको लगता है उसमें कोई तथ्य है, ऐसा लग रहा है कि देखिए आप नहीं मालूम, देखिए इनकी जो है सलमान खान से इनकी दोस्ती, जो रमजान की इफ्तार पार्टी होती थी वायरल होता था, अब नहीं मालूम इसके पीछे क्या सच्चाई है। अभी इंक्वायरी में आया सामने। अभी जिशान से आपकी बातचीत हुई? नहीं, जिशान इस पोजिशन में नहीं बात करने के, वो लोग सब भाग दौड़ कर रहे हैं अभी। इस सब जो एडवोकेट सब खड़े हुए हैं, सारे पेपर्स बन रहे हैं अभी, ज्यादा बात नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन अभी सभी नेताओं की तरफ से बताया गया कि वो अब हमारे साथ नहीं रहे, तो आपकी नहीं रहे तो हम कह रहे हैं उनका इंतकाल हो ही चुका है। लेकिन जब उन्हें लाया गया क्या उसी तरफ उसी वक्त रास्ते में बोलते हैं उनकी डेथ हो चुकी थी। अच्छा, लेकिन ये कहाँ पे घटना, क्या वहाँ के लोगों ने घटना यहाँ हुई ना, इससे पहले सामने लड़के खड़े थे वहाँ पर, उनके सामने घटना हुई है। देखिए आदमी अलर्ट कैसे रहेगा, अगर उसको मालूम है कि मुझे फलाना आदमी मारने वाला है, ये आदमी तो आदमी उसकी शक्ल देख के पहचान सकता है। जब मालूम ही नहीं कौन मारने आने वाला है, कोई भी चलते फिरते कोई आदमी सामने आ गया, उसके आदमी रिवॉल्वर गोली मार दिया तो सिक्योरिटी क्या कर सकते हैं, और आदमी सरेंडर होके पकड़ा गया। सर बाबा धन्यवाद। सर एक मिनट, एक मिनट सर, सर हिंदी में जानना चाहेंगे किस तरह से घटना हुई, क्या हुई? नहीं देखिए अभी नहीं मालूम, नहीं अभी तक अभी इंक्वायरी दो लोग पकड़े, इंक्वायरी सामने आएगी। लेकिन बाबा सिद्दीकी का पॉलिटिकल कोई लड़ाई नहीं, उसकी बिजनेस की कोई दुश्मनी नहीं है। अब दो कंटेक्ट किलर बोले जाते हैं, अब ये इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा क्या है। गैंग का नाम सामने नहीं मालूम है, आप कैसे कह सकते हैं, मुझे पुलिस बताएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।